प्रकाश जी, देखिए इस बात को समझना पड़ेगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सत्ता में जो पार्टियां बेरोजगारी दूर करने के प्रयासों में शामिल हैं, रोजगार बढ़ाने के प्रयासों में शामिल है और उसको साबित करके दिखाया है, वो उसको नहीं मानेंगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको एड्रेस करें कि रोजगार का और बेरोजगार जो भी दर है उसको इसका इतना है। अब ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, भाटी जी कह रहे थे कि पकौड़े जो बेचते हैं वो रोजगार में नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहते थे गाँव में डिजिटल का पेमेंट नहीं हो सकता। अब शक्ति यादव जी को लगता है कि किसी कारखाने में सिक्योरिटी का एक कर्मचारी लग जाए वही रोजगार में है, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को, अति पिछड़ों को, दलितों को 10 लाख रुपए देकर, 5 लाख सब्सिडी देकर उनको स्वरोजगार के कार्यक्रम में लाया गया है, तो उनको रोजगार नहीं लगेगा। तो इसकी परिभाषा, वो सही कहा आपने रूबिका जी, कि उनके लिए एक अलग से बुकलेट शक्ति यादव जी को भेज देना पड़ेगा कि आप अपने रोजगार की परिभाषा ये रखिए। लेकिन बदलते परिवेश में यदि देश में महंगाई दर कम हुई है और बेरोजगारी दर भी कम हुई है तो ये हमारे समय के सरकार के लिए गर्व का विषय है। विपक्ष कितनी भी साजिश करे, हम ये साबित करने में सफल रहेंगे कि देश रोजगार के अवसर को बढ़ाने में कामयाब होता जा रहा है और वो आगे भी होगा। आपने दो लोगों का नाम लिया, आप तीनों स्क्रीन पर रहेंगे। हाँ, शक्ति जी भी स्क्रीन पर है, राजकुमार भाटी जी भी और सत्यप्रकाश मिश्रा जी भी। शक्ति जी भी आप जरा बता दे, शक्ति जी वो हरी मिर्ची वाली जो बात की थी उस रंग की टोपी तो आपने पहनी है और वो ये कह रहे हैं कि आप आंकड़ों को झुटला रहे नहीं सकते हैं, कैसे झुटला देंगे आंकड़ों? नहीं नहीं जफर भाई से मैं एक ही बात कहूंगा कि बेरोजगारी का कुछ ऐसा आलम है जनाब कि लोग खैरियत भी पूछते हैं तो नसीहत लगती है। सवाल वो नहीं है, सवाल साफ है। हमने एक लाइन में कहा कि आप जो कर रहे हैं, अगर गारंटी कानून अगर देश में नहीं होता तो हालात तो और देश की खास्ता होता। आज तो सच मानिए कि जो मनरेगा है जिसके चलते बेरोजगार कुछ गांव में काम भी कर लेता। इंडस्ट्रीज की हालत क्या है सर्टन इलाकों में, चले जाइए उन राज्यों में जहां बड़ी आबादी है वहां इंडस्ट्रीज की हालत क्या है। आप कर रहे हो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कितने लाभुक प्राप्त हुए आबादी के अनुसार पता कर लीजिए। हर अगर आपके नीति आयोग बिहार के सवाल पर हर मानक में निचले पैदान पे लाके खड़ा कर जाता है तो फिर बेरोजगारी का आलम क्या है आप ही तय कर दो। हम ना हरी मिर्च लगाएंगे आपको, ना लाल मिर्च लगाएंगे हम तो आपको, बिल्कुल झूठ। आप नीति आयोग का रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं? बिहार अभी भी सर्वाधिक विकास दर पर खड़ा है। सत्यप्रकाश जी चलिए आप बोल लीजिए अपनी बात, सुनिए ना आपके जी बताइए, आप सुन लीजिए। यही जो झूठ आंकड़े ने बिहार को पीछे ढकेल दिया, बिहार को मिलने वाले ग्रांट से बिहार को आपने पीछे ढकेल दिया। बिहार पर कर्ज कितना है शायद आपको जानकारी नहीं है, अगर जानकारी होगा भी पढ़ते हैं तो ये बात आकलन कर लीजिए ना। बेरोजगारी के सवाल पर आप करें गांव में जाके पता करिए ना, आप गांव में नहीं ना रह रहे हैं, गांव और कस्बों में जाइए। हम लोग घूमते हैं मतदाताओं के बीच में, चुनाव लड़ते हैं, देखते हैं गांव-गांव में कि बेरोजगारी का दर क्या है। उनसे चार सीट दिया आपको, आप देख रहे हैं कागजों पर, ठीक है आप दिखाइए, आप दिखाइए। हम तो कई इलाकों की चर्चा कर दे सकते हैं, बिहार की आबादी है क्या, बेरोजगारी का दर है पता है आपको, कितने लोग पलायन कर रहे, पलायन का बिहार में कितनी स्थिति खराब है पता है, कितना पलायन है जानकारी है, पलायन कितना है, कितने लोग साउथ में जाकर करके हरियाणा पंजाब से लेकर करके सूरत में, कितने लोग बिहार से बाहर जाके कमा रहे हैं पता है पलायन का सवाल। आप हमने अगर आपसे पूछा कि मानक क्या देश में तय किया है सरकार ने कि कौन लोग हैं जो हकदार है राशन के, वो लोग हैं जो हैंड टू माउथ है, अगर वो हैं जिनकी आय नहीं है वो लोग हैं। आप कह रहे हो कि हम खिलाते भी हैं रोजगार भी दे रहे हैं, सवाल दोनों नहीं हो सकते हैं, सवाल एक ही हो सकते हैं मानस अगर आप बताएं क्या है। सवाल है शक्ति जी, अब आपने जो बातें रखी उसका जवाब उसके बाद जफर इस्लाम। देखिए 25% लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और प्रधानमंत्री महोदय ने, नरेंद्र मोदी जी ने सदन में इस बात को कहा है कि हम उसको 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए दे रहे हैं कि कोई फिर से गरीबी में वापस ना चला जाए। शक्ति यादव जी ने जो कहा, एक बिगाड़ी हुई बिखरी हुई व्यवस्था नीतीश कुमार जी को आज से 15 साल पहले मिली, उसको उन्होंने सुधारते लालटेन युग से रोशनी युग में बिहार को पहुंचाया है। लालटेन का तेल बुझ गया, समाप्त हो गया गांव-गांव। सुनिए अब आप बोल लिए थे ना, मैं बोल रहा था आपके बीच में, आपके बीच शक्ति जी बहुत आदरणीय, आपने बोलिए, आपके बीच नहीं बोल रहा था। शक्ति जी आप भी जानते हैं कि आपके गांव की जो सड़क है ना वो नीतीश कुमार जी की देन है। आपको पता है आपके घर में जो बिजली गांव में जल रहा है ना वो नीतीश कुमार जी की देन है। आइए रोजगार पर आते हैं, अभी 1.5 लाख कांस्टेबल की वैकेंसी फिर आई है, फिर रोजगार मिलेगा, आप चिंता मत करिए।
बिहार विकास दर में सबसे तेज रफ्तार में है देश में, इंक्लूसिव ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है बिहार का। आप नहीं पढ़ते हैं, इसको अलग मसला है, आप तेजस्वी जी के लिए एक संदेश दे दीजिए। इसी आंकड़े ने बिहार रोजगार में और आगे बढ़ेगा और 20 लाख रोजगार का जो हमने वादा किया था वो पूरा होगा, इतना जरूर है। माफी मांगने गए बिहार के मुख्यमंत्री को, माफी नहीं मांगे विशेष राज्य का दर्जा, ये बोलने नहीं देंगे, माफी मांगने कहिए बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को। टोका टोकी किया शक्ति जी, इस बात को समझिए कि बिहार पर आपको गर्व करना चाहिए, हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है, आप उसको मानते नहीं है। अगर केंद्र सरकार ने 2.25 लाख करोड़ का कुछ स्पेशल राहत दिया, कुछ दिया है, तो उसमें भी तो आगे बढ़ेंगे। पैसा दो आपके जमाने में बजट था 25,000 करोड़ का, हमारा है 2.25 लाख करोड़ का, उसको तो आप मानते नहीं है। अरे भाई इतना आप को समझिए, आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। इस जगह में नहीं सीटें ऐसी नीतीश कुमार जी को नहीं देश के बजट के आलोक में राज्यों के बजट के दर बता दीजिए में विफल रहे तो बता दीजिए, आपके साथ खड़ी नहीं मिली। 2005 में देश का बजट क्या था और बिहार का जो प्राइड है, उसका जो रोजगार है, उसका जो आर्थिक विकास है, उसकी चिंता आरजेडी को करने की जरूरत नहीं है। राज्य का बजट का नीतीश जी की तारीफ कर चुके हैं कि नीतीश जी ने बिहार को पहले से बहुत बेहतर बनाया है, इसलिए इस बात को आपको मानना तो पड़ेगा, नहीं स्वीकार करिए कोई बात नहीं। हर सेक्टर में पीछे चले, आप बोलने नहीं दे रहे, आप बिहार को बिजली के क्षेत्र में दोनों को बराबर मौका मिल रहा है, आपको मैंने कई बार बोलने दिया लेकिन आप बीच में टोक देते हैं। शक्ति जी, अभी कुछ टाइम पहले तो आपने कहा था बिहार बदल गया है, बिहार में बाहर है, आप ही कह रहे थे नीतीश कुमार है, अभी अचानक वहां पर काले खा गई, इतना जल्दी कैसे बदलाव हो गया? रूबिका जी दिया दिया दिया, हमने कहा वो किया, लेकिन इन्होंने कहा कि राज्य का बजट केंद्र के बजट के अनुपात में जो पहले था 5 point something आज भी है भैया, जो केंद्र का बजट उस समय क्या था, राज्य का बजट क्या था, हम तो 3000 पर आए थे, 2200 पर आए थे, हम लेके गए 24,000-23,000 करोड़ पर, उसके बाद इकोनॉमी रुपये गवर्नमेंट के बाद खेल तो जनता को सुलझाना है। राजकुमार भाटी जी प्लीज कह दीजिए ना कि ईपीएफओ के आंकड़े झूठे हैं, कह दीजिए ना कि ये जितने भी आंकड़े इस वक्त हम बता रहे हैं वो झूठे हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक के आंकड़े झूठे हो, ईपीएफओ के हो, या अभी हाल फिलहाल जो आंकड़े आज मैं आपको बता रही थी वो झूठे हैं। कतई झूठे नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं उस पर हम कायम है। सबसे बढ़िया रोजगार होता है सरकारी नौकरी, वो एक आर्थिक रूप से भी और एक सम्मान की नौकरी भी होती है। मोदी जी ने सरकारी नौकरियों को बहुत, सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ मिलता था, सेना में और रेलवे में। जब से मोदी जी आए सेना को तो कर दिया 4-4 साल की ठेकेदारी पर, जो ये अग्निवीर है ये देश के युवाओं का अपमान है और उन्हें बेरोजगारी की भट्टी में झोंकना है। रेलवे में कोई भर्ती हुई नहीं है, रेलवे भी ठेके पर चल रही है। और ये सरकारी नौकरी कम करने से क्या होते हैं, दो नुकसान होते हैं। एक तो जो OBC SC को जो उसमें आरक्षण मिलकर रोजगार मिल जाते थे वो ख़त्म हो गए। दूसरे प्राइवेट सेक्टर का हाल क्या है, हम यहाँ नोएडा में बैठे हैं, नोएडा में सबसे ज़्यादा उद्योग हैं, लगभग 10,000 उद्योग हैं। हमें पता है जो यहाँ 20-15 साल पहले फैक्ट्रियाँ लगी थी, नौकरी कंपनी थी, रुबिका जी मैं बहुत पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उनमें जो नौकरी कर रहे हैं उनकी आज सैलरी 75,000 से 1.5 लाख तक है। और अब जो भर्ती चल रही है, जब से मोदी जी आए हैं इन्होंने जो लेबर लॉज में परिवर्तन किया है, तमाम कंपनियों में ठेकेदारी चल रही है, 10-10 हज़ार रुपये में 10-10 घंटे काम करा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ रोजगार नहीं है, दुर्गति है। आप रोजगार पे बात, वो हाँ मैं रोजगार पे ही कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर की जो आप उपलब्धियां बताते हैं, प्राइवेट सेक्टर में लूट है, ठगी है, श्रम का शोषण है, पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही है। भाटी जी पहले हम डिसाइड करें हम किस पर बात करें, मैं कह रही हूँ मैं रोजगार पे ही कर रहा हूँ, तो रोजगार